आपकी बेटी है? मेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है। सही है। शंभूर वैली का ये ऑलमोस्ट एंड है, यहाँ पर अपना कैंप लगाया हुआ है। अभी मजीद यहाँ से आगे वॉक करनी है रंभूर वैली के जो पुराने घर हैं। इससे पहले मैंने बम्बोरेड विज़िट किया था, अभी रंभूर को विज़िट करना है। उसी ब्रिज से गुजर रहा हूँ, लेफ्ट साइड के ऊपर है बम्बोरेड और राइट साइड के ऊपर अभी जो ट्रैक जाएगा ये जाता है जी रंभूर। यहाँ से रंभूर जो है वो 8 किलोमीटर दूर है। बम्बोरेड के मुकाबले में ये छोटी है वैली, लेकिन खूबसूरत है यार। एक अलग ही वाइब्स आ रही है यहाँ पर राइड करने की। अब नीचे जो है वो बहुत ही खूबसूरत वाटर स्ट्रीम है, ऑफ रोड ट्रैक है, लेफ्ट साइड के ऊपर पहाड़ है। ऐसी जगहों पे बाइक को राइड करने का बहुत मज़ा आता है। ओ हो, काफ़ी पथरीला ट्रैक था। शुरू का जो 2 किलोमीटर रास्ता है वो ज़रा मुश्किल था, उसके बाद अभी कुछ इजी ट्रैक है। यहाँ पर इतने पत्थर नहीं है लेकिन फिर भी जंप्स लगते हैं। रोड साइड के ऊपर ही कुछ घर और शॉप्स है। ये आइडिया लगा ले कि कितने पुराने ये शॉप्स और घर बने हुए हैं। 8 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद मैं रंभूर वैली पहुंच आया हूँ। ये है रंभूर वैली की एंट्रेंस। अच्छा, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हट्स बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं स्टोरेज पर्पज़ के लिए यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों में ना फसल होती है ना इनका और कुछ ऐसा काम होता है। तो जितना भी सर्दियों का मटेरियल होता है, खाने के लिए चीज़ें, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। और इस जगह के ऊपर यहाँ की जो फीमेल्स हैं वो काम करती हैं, ख़ास करके यहाँ पर कपड़े धो रहे होते हैं। अभी मज़ीद यहाँ से आगे वॉक करनी है रंभूर वैली के जो पुराने घर हैं इनको अभी एक्सप्लोर करूँगा। ये पुराने ज़माने में जिस तरह सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, ये बिल्कुल उसी तरह की एक सीढ़ी बनी हुई है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कैलाश की इन पुरानी गलियों में वॉक करने का। यहाँ पर काफ़ी पुराने इनके घर हैं जो लोकल यहाँ के कैलाश हैं। वो दिन को ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं और शाम को आके वो अपने घर का काम करती हैं। तो इस वक्त ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो वापस घर आके कुकिंग कर रही हैं। हर घर से ही धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है और सच में ये कोई बहुत ही पुरानी गलियां हैं। ये देखें इनके घर। यहाँ पर जितने भी घर हैं यहाँ पर ज़्यादा काम पत्थर का हुआ है और लकड़ी का। इवन ये जो भी आपको स्टेयर नज़र आ रही है ये भी सारी की सारी लकड़ी की है। इन घरों का ये फ़ायदा है कि ये अर्थक्वेक में काफ़ी सेफ रहते हैं। यहाँ पर पूरी इनकी सीरीज़ है कैलाश के घरों की। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर किसी भी घर का अलग से मेन गेट या पार्टीशन उस तरह नहीं हुई। इनके कल्चर में, रिलीजन में सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, प्यार मोहब्बत होता है आपस में। इस वजह से इन सारों के घर ओपन हैं, बहुत ही वेलकम करने वाले ये लोग हैं। अभी मज़ीद कुछ वॉक करता हूँ। ये देखें यार ये है पुराना कैलाश। अब ये जिस तरह के घर बने हुए हैं बम्बोरेड के अंदर, अब इस तरह के घर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर भी लोकल जो कैलाश फीमेल हैं वो बैठ के अपना काम कर रही हैं। पता नहीं ये गलियाँ मुझे कहाँ कहाँ पर लेकर जाएंगी। ये देखें,
ये एक छोटी सी बच्ची खेलते खेलते ऊपर आई है। कैसे हो आप? इश्पाता, हाँ तो मिलाओ, ठीक हो? और यहाँ पर सारे कैलाश के घर हैं। ये खूबसूरत वैली है। अभी जितने भी घर हैं सारों से धुआं निकल रहा है, यानी कि अभी कुकिंग का टाइम शुरू हो गया है। एक छोटी सी हाइक करके ऊपर डांस फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। अभी मेरे ऊपर काफ़ी सारे अंगूर लगे हैं। खैर अभी ये कच्चे हैं, इनको तैयार होने में थोड़ा बहुत टाइम है। ये जो डांस फ्लोर है, चेलम जोशी फेस्टिवल भी यहाँ पर इनका होता है। अभी 22 अगस्त को एक फेस्टिवल है, तभी ये लोग यहाँ पर आके डांस करते हैं। इतनी ज़्यादा स्टेयर्स नहीं है, छोटी सी हाइक है। जिन लोगों का स्टेमिना अच्छा नहीं है, वो हाइक के दौरान अगर थक जाते हैं तो यहाँ पर पानी भी है। यहाँ पर इनके बहुत पुराने घर बने हुए हैं और ये सारे घर जो हैं लकड़ी और पत्थर के बनाए गए हैं। ये है कैलाश वैली का डांस फ्लोर, जहाँ पर जो इनके फेस्टिवल होते हैं, लाइक चेलम जोशी हो गया। अभी अगस्त में भी एक फेस्टिवल होने वाला है, तो यहाँ पर इनकी गैदरिंग होती है, डांस करते हैं। 2017 में चेलम जोशी के ऊपर मैं यहाँ पर आया था। मैं देखूँगा, मेरे पास अगर कोई वीडियो हुई तो मैं अटैच कर दूँगा, क्योंकि इस वक्त ये जगह बिल्कुल वीरान है। पीछे छोटी सी 3-4 बच्चियाँ हैं और 1-2 लड़के हैं। यहाँ से नीचे रंबूर गांव है, ये वाटर स्ट्रीम है, ये ऊपर इनकी इबादत गाह है। यहाँ पर वैसे जाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं किसी लोकल से बात करता हूँ और उससे परमिशन लेके यहाँ से फिर ऊपर जाते हैं इनकी इबादत गाह के ऊपर। जो इबादत गाह है कैलाश की, वहाँ पर हर किसी को अलाउ नहीं करते। तो यहाँ एक लोकल थे, बासित अली, मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको विज़िट करा लेता हूँ। ये है इबादत गाह और ये मेरे से पहले आकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ क्या सीन होता है यहाँ पर। पहले तो इन्होंने ये जो ऊपर आई डोंट नो किस पर्पज़ के लिए ये बना हुआ है, इसकी शेप जो है वो किसी के सर के साथ मिलती जुलती है। अच्छा, ये जो जगह है यहाँ पर ये लोग आकर बकरी ज़बह करते हैं, जो किसी के नाम के ऊपर इन्होंने सदका खैरात माना हुआ होता है, वो यहाँ पर आकर ज़बह करते हैं और फिर आगे लोगों में तकसीम कर देते हैं, या नीचे लेकर जाकर उसको पका के फिर लोगों में तकसीम कर लेते हैं। और जो फिर उन्होंने दुआएं मांगनी होती हैं वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अच्छा, आपके यहाँ किताब और रसूल का कॉन्सेप्ट नहीं है ना? नहीं, किताब तो नहीं है, सिर्फ रसूल का कॉन्सेप्ट है। जो मुसलमान को मानते हैं ना रसूल को, सही हम भी मानते हैं उनको, सिर्फ किताब नहीं है, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, हम भी मानते हैं। ठीक है, तो ये किसी किताब के ऊपर बिलीव नहीं करते, बाकी अल्लाह और रसूल को मानते हैं। बिलीव तो करते हैं किताब को। अच्छा, किताब को बिलीव करते हैं, लेकिन आपकी अपनी कोई नहीं है? अपनी किताब नहीं। ठीक है, करते हैं कि वो अल्लाह की किताब है। सही है। तो ये एक छोटी सी जगह है इनकी इबादत गाह। पर्सनली अगर मेरे से पूछे तो अभी बम्बूरेट को एक्सप्लोर करके आ रहा हूँ। मुझे बम्बूरेट इतना पसंद नहीं आया है जितना पसंद रंबूर आया है, क्योंकि बम्बूरेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, होटल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्राउड भी वहाँ पर अच्छा खासा है। अगर आप वाकई में पुराना कैलाश देखना चाहते हैं तो आप रंबूर आएँ, जहाँ पर आपको पुराना कैलाश देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो लोग हैं वो बम्बूरेट के मुकाबले में ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। रंबूर वैली के बिल्कुल टॉप के ऊपर आया हूँ। यहाँ पर एक लड़के से दोस्ती हो गई है, बासित अली उसका नाम है, तो उसने इनवाइट किया है अपने घर में। ये है बासित अली, ये इनकी बहन है, और ये हैं इनकी अम्मी बाजी। और ये मुझे कह रही हैं कि आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो मैंने कहा नहीं, आप बहुत बड़ी हैं। और बेटी है, ये बेटा है, तुम बेटा। ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बहन है, आपकी बेटी है। मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है। सही है।
और ये इनके घर का सेटअप है। यहाँ से आपको सारा व्यू जो है रंबूर वैली का बहुत अच्छा नज़र आता है। जी भाई साहब, ये हमारा जो दुकान है, ये हमारा जो अपना जी वदे कलाश का जो कल्चर का सामान है, ये हमारे पास होता है। ये हमारा घरों में बनाते हैं, ये लड़कियां बनाते हैं जनाना वाला। ये चीज़ जो है, ये जनाना पहनते हैं, नीचे ये पहनते हैं, इसके ऊपर जो होता है ये टॉप में, इधर ही इधर जो ऐसा पहनते हैं ये जनाना। उसके बाद ये चीज़ भी पहनते हैं, ये कोई फौतगी में या कोई खुशी में ये वाला पहनते, अक्सर ये नहीं पहनता। इधर जो ऐसा पहनते हैं ये जनाना। उसके बाद ये चीज़ भी पहनते हैं, ये कोई फौतगी में या कोई खुशी में ये वाला पहनते, अक्सर ये नहीं पहनता, उसी वक्त यही पहनते हैं। ये दो चीज़ें यही होता, इसके साथ फिर ये कपड़ा होता है, ये वाला ये वाला ये कपड़ा है, ये पहनते हैं तो उसके ऊपर ये बेल्ट होता है, ये बेल्ट होता है, ये वाला ये बेल्ट उस पर शामिल है, ये बेल्ट होता है, ये बेल्ट भी शामिल होता है उसमें। ये सारा चीज़ जो है भाई साहब, ये सारा भाई हैंड बनता है, कोई मशीन तो है नहीं इधर ही, इसलिए ये चीज़ें कोई बाहर से, कोई टूरिस्ट आता है या कोई पाकिस्तान से आता है, वही लोग ये लेते हैं। फिर हमारा जो यहाँ का रहने वाले लोग जो है, ये खुद पहनने के लिए बनाते हैं। इसका प्राइस जो है, प्राइस भी इसका मुख्तलिफ होता है, ये तकरीबन 1000 से लेकर 10-15-20 हज़ार तक होते हैं। ये पूरा ड्रेस सारा कुछ होता है, वो कितने में इख्तियार हो जाता है? सारा कुछ इसमें ऐसा होता है, गुजारा हल्की वाला जो होता है वो बनता है हमारे हिसाब से तो 6-7 हज़ार का हल्का बनता है। अच्छी वाला जो है 15-16 का बनता है, उससे अच्छी होता है वो 20-25-30 का बनता है, उससे महंगा भी बनता है, 40-45 तक भी आता है। लेकिन ये बच्चों वाली, ये छोटा है, ये बच्ची पहनती है, ये सस्ता है, इसका रेट जो है 1000 रुपया 1200 है, इस तरह है। फिर ये जो है पर्स है, बाई हैंड बना हुआ है, कोई मशीन का तो नहीं है, ये भी पर्स है, इसमें कोई मोबाइल वगैरह रखते हैं जनाना, इसलिए इसका भी 1500 प्राइस होता है, ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद ये मोती होती है, ये वाला, ये तो हमारा कल्चर में शामिल है, ये गलों में पहनती है जनाना। उसके बाद ये बहुत सारा जो मुख्तलिफ कलर का होता है, इसमें अक्सर हमारा जानना जो वो यही पहनता है, ये वाला, इसमें जो होता है कॉलर होता है, मुख्तलिफ कॉलर होता है इसमें, ये चीज़ है। ये हमारा जो दुकान है, ये हैंडीक्राफ्ट है, कलाश हैंडीक्राफ्ट है, कोई बोर्ड मोड तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये काम मैं अक्सर करता हूँ। ये चीज़ भी इसमें होता है, ये सारा जो होता है ये चीज़ है, ये इधर जनाना बनाता भी है और बेचता भी है और पहनता भी है, ये हमारा ये कल्चर का एक रिवाज है, यही पहनता है। आज मेरा रंबूर वैली में आखिरी दिन है, मैंने सुबह यहाँ से चला जाना है। रंबूर वैली में बम्बूरेड के मुकाबले में होटल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। मैंने रंबूर वैली का ये ऑलमोस्ट एंड है, यहाँ पर अपना कैंप लगाया हुआ है गेस्ट हाउस के सामने। ये है गेस्ट हाउस, ताज मोहम्मद गेस्ट हाउस इसका नाम है, और बिल्कुल सामने है रंबूर रिवर। यकीन करें, ये जो रिवर है पूरी रात को लोरी सुना रहा होता है, बड़े मज़े की नींद आती है, और एक अच्छी बैठने की इनकी जगह है, ग्रीनरी है। मैं रात काफ़ी देर तक जहाँ पर बैठा रहा हूँ, और रात का जो यहाँ का व्यू है, सितारे इतने क्लियर नज़र आते हैं जो इससे पहले मैंने डगरी बंगला और हंसा जमालाबाद में देखे थे। खैर, अभी आपको एक दो कमरे दिखाता हूँ। अभी हाफ़ गेस्ट हाउस जो है वो तैयार हो गया है, हाफ़ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जल्दी ही ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। एक ये कमरा है, यहाँ पर दो ट्विन बेड लगे गए हैं, इस वक्त लाइट नहीं है तो अंधेरे में ही आपको देखना पड़ेगा। और एक ये है कमरा, इसमें भी ट्विन बेड्स हैं, अटैच बाथ है, और एक थोड़ा सा बड़े साइज़ में है। ये हैं ताज मोहम्मद जिनका ये गेस्ट हाउस है, ये थोड़ा सा देसी सेटअप बनाया गया है, और इसके साथ भी अटैच बाथरूम है। और यहाँ से ये व्यू है सामने का,